हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं डीकैथलॉन, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बच्चे स्विमिंग पूल करते हैं तो उन्होंने वहाँ पे मेंबरशिप ली हुई है, तो कुछ सामान उनको स्विमिंग के लिए लेना है और मैं भी अपने स्विमिंग के लिए एक कॉस्ट्यूम लेना है मुझे, और कुछ एक दो चीज़ें और लेनी है। तो बहुत दिनों बाद हम डीकैथलॉन जा रहे हैं, मतलब तब गए थे जब इनके स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट होनी थी, तो उसके लिए जो सामान लेना था। और अभी मैं निकल रहा हूँ और वो गाड़ी लेने गई हो, करी गाड़ी मैं ही चलाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है, तो चलो जो भी होता है रास्ते का, कुछ गपशप अगर हुई तो आपको बताएंगे, होगी तो ज़रूर ही। पहले नीचे की कुंडी भी लगा के आना। ये मिली बैठी हुई देख रही है, इनके लिए हम इतनी खिड़की छोड़ देते हैं आने जाने के लिए। चलो ये अनुपम का स्कूटर है, लाइब्रेरी का काम भी देखता हूँ कहाँ तक हुआ है, क्योंकि कल नहीं आए थे ये, आज आए हैं, तो एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, मतलब ठीक है, मस्ती से काम कर रहे हैं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। सामने बड़ी प्यारी खूबसूरत यॉट खड़ी है, आप लोगों को दिखाता हूँ। एक देखो ये यॉट है, कल भी रात भर बारिश होती रही। अच्छा ये चल रहा है, ये इसमें ना ये तार डली थी अभी पिछले साल बारिशों से पहले, अंडरग्राउंड वायरिंग हुई थी तो उसको ये भर रहे हैं, मतलब गड्ढा खोद के तारे तो डाल दी थी पर वो फिर ऊपर नीचे थी, तो अब ये सड़क को भर रहे हैं। और ये कवर हुआ है, अंदर से भी बंद करेंगे बाहर से भी बंद करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा उसने गाड़ी लेकर के यहाँ आना था, तो मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी फंस तो नहीं गई कहीं? हाँ फंस गई है गाड़ी, ये इन्होंने गड्ढे को करके, ये ना गड्ढा हो गया था तो वो भर रहे हैं, ये निकल आई गाड़ी, मैं बेमतलब वहाँ जा रहा हूँ, निकाल ली गाड़ी उसने। साइड में दबा दे, रुक जा रुक जा, साइड में दबानी पड़ेगी, नहीं रुक रुक, उसको निकल जाने देना, उसको टक। ये वो जो गड्ढा इन्होंने तार डाली थी ना, तो वो जो गड्ढा पहले तो मिट्टी भर दी थी ऊपर था, पर बारिशों में मिट्टी बह गई तो वो गड्ढा हो गया, तो अब उसमें ये मलबा डाल रहे हैं। पर ये रुक जाएगा जैसे डाल रही है? नहीं, इसके ऊपर कुछ रोकथाम करेंगे ना, इसके ऊपर डांबर ला करके, अच्छा थोड़ी सी बजरी डालेंगे, ऐसे मोटे मोटे पत्थरों को, हाँ ये डाल रहे हैं, इसके ऊपर से कुछ डाल देंगे ना, और अगर नहीं भी डालेंगे कम से कम ये धसेंगे तो नहीं, वो तो मिट्टी तो रोज बह रही है, गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे, पानी भी भर रहा था, आई नहीं उनको पता ही नहीं कि तू इस तरफ खड़ी है। तो अभी हम डीकैथलॉन जा रहे हैं, डीकैथलॉन से हमने कुछ सामान लेना है, और जो भी हमारा रास्ते का सफर रहेगा आपको बताएंगे। दाढ़ी अब जी इरिटेट करने लग रही है, अब जगह को शेव करनी पड़ रहा है, इरिटेट करने लगी दाढ़ी भी, जब मेरे ऐसे ऐसे होने लगता है ना तब मैं शेव बनाता हूँ। अब सोचा है अभी भी कितने दिन लग जाएंगे पता नहीं, पता नहीं। कहीं वो सोच रहे हो कि उधर पार्किंग के इधर ही हो हम? नहीं, मैंने उनको बोला मैं गाड़ी उधर लेके आ गया, तो देखेंगे तो नहीं, गाड़ी सामने ट्रेन से आ रही है, आ रही है, देख लिया उसने।
यार ये मिक्की माउस लिया था मैंने, ये सोच के कि पीछे लटकेगा, मैं इसको देखूंगा हंसते हुए तो अच्छा लगेगा, पर ये तो गिरा ही पड़ा रहेगा। हैं ये दो हंस रहे ना, ये दो तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पर हंस रहे हैं। बन लिया चौधरी, देखिए इसमें सोना का अम्ब्रेला ले लिया ना। जब हम आए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, वो छोटा सा वो था, ये अभी नया बना है फिश पॉइंट। दूध हम कहाँ से लाते थे? ये आगे, हाँ यहाँ से हम दूध लाते थे पहले जब बादे में रहते थे, तो अंदर गाय हैं इनके। एक यहाँ पर हमेशा पुलिस वाले खड़े रहते हैं इस सर्कल पे, और इसी पे मेन रहते हैं, और एक वो जो जहाँ पे वो लोग रॉन्ग साइड आते हैं, यहाँ भी कुछ बन रहा है, वो बोर्ड लग गए हैं, सीमेंट की चादरें लग गई हैं। इस सर्कल पर हमारा स्कूटर पंचर हुआ था। तीन तीन चार चार पुलिस वाले यहाँ से हम कितनी बार गुजरे, सबको रोकते, हमारी गाड़ी आज तक नहीं रोकी उन्होंने। दिल्ली नंबर, लोग बोलते दिल्ली नंबर की बाहर का नंबर देख करके जी वो पुलिस वाले परेशान करते हैं। हमारा स्कूटर बाहर का नंबर, गाड़ी बाहर का नंबर, आज तक नहीं रोका कभी भी। एक दो बार देखा ना, टॉर्च मारते देखते हैं, हाँ भाई बेल्ट लगी हुई है, सीट बेल्ट लगा रखी है, ठीक है कोई बात, स्पीड हमारी ऑलरेडी लिमिट में ही रहती है। गोवा में बहुत सारी जगह पे स्पीड लिमिट 30 है, पता चलता है। उनको मालूम है 30 तो ये टूरिस्ट तो हवाबाजी में होते हैं, टूरिस्ट तो 30 में चलाने नहीं वाला। हम यहाँ से स्कूटर को धक्का मार के लेके गए थे ना, यहाँ से थोड़ी वो नीचे सर्कल पे पंचर हुआ था, वहां से हम लाए पेट्रोल पंप तक, फिर पेट्रोल पंप से यहाँ से धक्का मारते हुए स्कूटर को लेके गए कितनी दूर तक, आरपोरा तक पैदल पैदल। नहीं मैंने फिर बाद में वो आगे बैठ करके चलाना शुरू किया था ना, उसका वीडियो है ना, उसका वीडियो भी बनाया था हमने, फिर टायर नया डला था, और तुझे पता उस समय पैसे नहीं होते थे टायर डलवाने के लिए, तो वो 2,500 रुपये आए थे, फिर उसमें से हमने ATM से पैसे निकाले थे, फिर उसमें हमने टायर डलवाया था। उस समय एक आदमी आया ATM में पैसे निकालने गया, तो उसने 500 रुपये उसने लिए ही नहीं, मतलब उसके पैसे नहीं आ रहे थे, हाँ। वो चले गए बाहर, पर पैसे आ गए कुछ सेकंड बाद, हाँ। मैंने गया अंदर तो 500 रुपये निकले हुए थे मशीन में से, तो मैंने 500 रुपये निकाले उसमें से, फिर उसको मैंने बुलाया, वो बाहर ही था, मैंने कहा आपने कुछ परेशान सा घूम रहा था, मैंने क्या हुआ, कह रहे पता नहीं पेमेंट है नहीं इसमें, मैंने कहा आपके 500 रुपये कट गए इसमें से चेक करो, फिर उसे स्लिप पड़ी, कह रहा 500 रुपये तो इसमें लेस हो गए, मैं कहा ये रहे वो 500 रुपये, इसलिए ना जब तक ATM में लाइट ब्लिंक ना होने लग जाए ना ATM को छोड़ना नहीं चाहिए। पूरा रास्ता ऐसे ही यार, ये तू पैदल पैदल आई थी, मतलब मेरे वो पंचर वाले के पास पहुंचने के भी तू आधे घंटे बाद आई थी, क्योंकि तू पैदल पैदल आ रही थी और मैं स्कूटर में आगे की तरफ बैठ के, पहले तुम धक्का देके चलते रहे, फिर बाद में तुम आगे बैठ के चलाया। वो मेरे दिमाग में एक वो याद आ गई ना, किसी ने बोला था कि कभी पिछला टायर पंचर हो ना, तो ट्यूबलेस टायर था तो बिल्कुल भी नहीं चिपका था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चिपक गया हो जमीन को, और उसने बोला था मेरे को, किसी ने सलाह दी थी कि आप आगे बिल्कुल आगे की तरफ बैठ के, ताकि वजन जो है वो आपका आगे की तरफ रहे,
और आप स्लो स्लो चला सकते हो, तो फिर वो करते करते में अभी आएगी वो पंचर वाली दुकान पे, उससे फिर बाद में कुछ दिनों बाद मैंने उसमें ट्यूब की नलकी भी डलवाई थी। ये गो कार्टिंग मैंने कभी चलते हुए तो देखी नहीं, मैंने देखा वो कौन सा वाटर पार्क है, पर गार्ड भी खड़ा है, साफ सफाई भी है, नहीं तो कुछ लोग आते जाते तो दिखे, दिखे कुछ? कभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं, नेट पे चेक करना गो कार्टिंग का। सो गई ये यार पूरा, वो जो मैंने 1000 किलोमीटर राइड मोल्लेम प्रोटेस्ट के लिए तो यही से तो वो बनवाया था हमने साइकिल बोर्ड इस वाली दुकान से, कि भी 1000 किलोमीटर राइड करनी है मोल्लेम में जो जंगल कट रहे थे, तो इससे मैंने फ्लेक्स का वो बोर्ड साइकिल पे आगे लगाने वाला बनाया था। ये वो एटीएम है इसे बैंक ऑफ इंडिया का, इसी एटीएम से तो पैसे निकल गए, इंडिकेटर दे दे उसको। ये वो पंचर वाला, हाँ ये रहा, ये दुकान भी शराब की अभी खुली है, इससे डलवाया था हमने, बाहर लगा तो हुआ है, वही तो है लड़का, पर शराब की दुकान खुल गई साथ में इतनी बड़ी। ये नया कसीनो यहाँ पे खुला है, वी आर ओपन बिग बी कसीनो, लिमिट स्लो थी, वो घूर रहा था। ये नवराता जो नवतारा लगता है हमें, ये टूरिस्टों की हिम्मत देख, बिना हेलमेट के भी चल रहे हैं। वो देख गिर गया, क्या हुआ, गिर पड़ गई क्या, ये लोग सामने गिर गए, पीपा रखी हो। कौन सी मूवी में वो कहता कहता अरे पी रखी है, कहता वो खानदानी है, चंकी पांडे कहता खानदानी है, वो कौन सी पिक्चर है, कहता पी के गिर गया होगा, कहता वो खानदानी है, वेलकम बैक में, नहीं वेलकम बैक में तो चंकी पांडे नहीं, अरे वो जिसमें होटल में रुकते हैं वो लोग, सिंगापुर के होटल में रुकते हैं सारे, शादी होती अच्छा, है पानी अंदर, हाँ, दे दनादन। तो ये डी कैथलोन तो आ गया है, पर पार्किंग की जगह यहाँ नहीं है, तो अंदर बड़ा है जगह है ना, तो इधर को ला रही है, वर्किंग डेज में आने का ये फायदा होता है, आराम से रुक जाओ, गाड़ी निकलने वाली है, थोड़ा हॉर्न ध्यान रखा करना, वो लाइट भी जल रही है। ये तो तुझे पता होना चाहिए, तू चला रही है, तुम बैठे हो फिर। ये क्या मतलब होता कि मैं बैठूं? टेढ़ी मेढ़ी सो गई होगी, बैग है ये, वाटरप्रूफ बैग है सारे, अच्छा बैग इसको पकड़ा दो, माइक लगा ले इसको, कैसे मालूम पड़ेगा, अच्छा हमें पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए ना अपना,
हाँ सही दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, ये तो क्योंकि स्विमिंग पूल में दिखता ही नहीं आपको। ये एक ही पीस है, ये मतलब रबर वाली लो। नहीं पर ये भी ये अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है, इसके पानी नहीं चल रहा। हाँ कैप तो वैसे मेरे को भी चाहिए। अरे स्विमिंग के लिए तो वाटरप्रूफ नहीं होगी क्या? ऐसे कर लूंगा, कान भी तो ढकते इसमें। ये ले लो एक। तो टोटल दो दो और लो। नहीं अपने घर के सामने नदी है, उसमें फेंकेगी। ये वापस घूम को अपने पास आता है। कहाँ से लिया? एंटी फॉग। इसका क्या है? ग्लास पे लगाना है, ये क्या करना है? एंटी फॉग। चाहिए तुझे? चाहिए तो ले ले, डाल दो उसमें। ये क्या है? ये ईयर प्लग। इसमें कौन से हैं जो ढंग से काम करेंगे? आप अपने दूसरा गॉगल ले लो, मतलब निकलना चाहिए। ये तुमने अपने लिए, एक मुझे भी अपने लिए चाहिए। तो ये भैया तुम्हारा तो ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा। आगे दो 300 वाले ले लो ना फिर। इसमें इसमें फर्क क्या है? अच्छा ये ऐसे है। और ये माउथ प्लस शायद से नोज भी है, नीचे से कुछ है सर। ये किस लिए? इसको पकड़ के ना भाई, हाँ बॉडी वो अप रहती है। चाहिए तुम्हें? खुद से सीखना चाहता हूँ, डिपेंड नहीं होना चाहते। पहले वो बास्केट ले गया। गोवा गए, आई लव गोवा। वही फर्क ये कि यहाँ पर ये 200 रुपए की मिल रही है 199 की, और बीच वगैरह में मिलती है ये 100 रुपए की। हाँ। वो 100 रुपए क्वालिटी भी डाउन होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी ना फोन में, तो 100 रुपए की। तीन कलर है, एक ये, एक ये और एक डार्क ब्लैक। कलेक्शन और बढ़ाना है। यही तो टी शर्ट पहनता हूँ मैं, 199 रुपए की। पहले जब हमने खरीदी थी 179 की थी, अब ये 20 रुपए बढ़ गई। यही तो टी शर्ट है मेरे पास, 4-5 टी शर्ट है ये वाली, व्हाइट और ब्लैक दोनों ही है। हाँ। मैच कर रही है। मैच किससे कर रही है? एक नाम से और लाइन भी है तुम्हारे। ट्रैवल नेवर एंड्स। ले लो। वहाँ देख क्या अरे ऊपर पहुंच जाएगी सीधा। चलो चलो आप चले जाओ। उतर, ये बॉल भी तो बिचकी हुई है शायद। और है ये टेबल का प्राइस देख कितना है, क्योंकि ये टेबल अपने लाइब्रेरी के लिए बहुत अच्छी है, जगह भी कम घेर रही है। हाँ वहाँ पे हम रखें के 6,000-6,000 रुपए में ये टेबल ठीक है। वो तो 20,000 की है, पर 21,000 की, पर वो बड़ी भी है, बड़ी है। ये ठीक है, हमारे यहाँ साइज फिट है। साइज फिट बॉल ना, ये देख टेढ़ी वो। चलो बस ऐसे थोड़ी होता है। चलो चलो
मेरे को दे, मेरे को बुखार नहीं। इसको पकड़ो और खींचो खींचो, ऐसे ऐसे छोड़ो। हाँ निकल गई, फिर ऐसे ही लगाना। हेल्प पकड़ो भी। अम्ब्रेला का पर्पल वाला अम्ब्रेला का ले क्या? पहल जल्दी। अब गाड़ी दूसरी चलाओगे? हाँ आपके साथ गोद में बैठ लेते। हाँ बैठ जा। और आप इस साइड आ जा। भाई तुझे नहीं लगना चाहिए पानी। ये रख दे, रख दे। भूख लग रही है। दोपहर को खाना कहाँ खाया? वही सुबह नाश्ता किया था, फिर यहाँ आ गए। इसीलिए कह रहा था यहाँ पे आने पे टाइम इतना लग जाता है। इसकी साइकिल का पंखा पड़ गया। एक दिन तो लेनी थी पंखा तो एक दिन लेनी थी। तुझे पता टाइम की कितनी कीमत? हम निकलते ही है इतने टाइम पे।